जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उसका नाम है अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाले अभिक्रियाएं। देखो आप एल्डिहाइड के नाम सुने हैं बाबू, पहले आप एक समझा जाएगा, ज़्यादा सोच के बताओ मुझे खूब ध्यान से। मैं अगर यहाँ पर लिखूँ ये सुनो, और वहाँ पर तुम चले जाओ कि ये बच्चिया और इधर आ जाए दिखाई दे, बे किसका है वहाँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा तुम लोग। अरे पंडित जी वतन किनारे चल चले गए, चले आई आशीर्वाद होगी आपके। अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाले अभिक्रियाएं। देखो बहुत ध्यान से कुछ चीज़ें हम लोग को जानकारी आज लेनी है, ठीक है, कि आखिर अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, और बात होगी एल्डिहाइड की। तो आप सभी लोग एल्डिहाइड का नाम सुने ही होंगे, CHO होता है, CHO। आप फिर यहाँ पर मान लो CH3 हो गया, फिर यहाँ पर CH2 हो गया, थ्री मतलब हो, फिर यहाँ पर मान लो CH2 हो गया, फिर यहाँ पर मान लो CH3 हो गया, ठीक है। इसका नाम सब लोग जानते होंगे, ब्यूटेनाइल हो गया चारकोल। अब एक बात बताओ सब लोग, ये तो क्रियात्मक समूह है CHO, ये क्रियात्मक समूह है CHO, इससे एल्डिहाइड की पहचान हो रही है कि ये एल्डिहाइड है। बहुत क्लियर फीके तरीके से आप पढ़ेंगे, एल्डिहाइड की पहचान देखे होंगे इसमें CHO है। अब इसके पीछे वाले जो कार्बन होगा उसको अल्फा कार्बन, ध्यान से समझना। इसके पीछे वाले जो कार्बन होगा उसे कौन से कार्बन कहेंगे, अल्फा कार्बन, और जो इसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। ये हाइड्रोजन जुड़ा है ना, तो दो एक ऊपर होगा एक नीचे लिखते ना इसको, तो इसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और पीछे जाओगे तो बीटा कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। और पीछे जाएंगे तो गामा कार्बन, इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है अल्फा बीटा गामा, फिर डेल्टा आ जाता है। लेकिन हमें बस इसमें एक ही जिक्र, दो चीज़ को जानकारी रखना है बस, अल्फा और बीटा, बात समझिए। तो आपके CHO है, इसके पीछे वाला जो कार्बन होगा उसको अल्फा कार्बन कहेंगे, इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा अल्फा हाइड्रोजन, फिर इसके पीछे वाला जो होगा बीटा कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको बीटा हाइड्रोजन, समझे बात करूँ। तो पहला तो एक टॉपिक बना लीजिएगा अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाले अभिक्रिया। तो लिखो लिखो क्रियात्मक समूह, यहाँ बोल देते हैं एल्डिहाइड के क्रियात्मक समूह को छोड़कर इससे जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन तथा इससे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। उदाहरण लिख देते हैं हम कि CH3 है, CHO है, तो ये क्या होगा अल्फा कार्बन, और ये क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन। लिख लो, माने जो भी CHO है उसके बाद जो भी कार्बन जुड़ा है उसको हम लोग हमेशा अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उससे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जल्दी से आप लिख जाइए, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। जब ये बात आपसे कहे सबको मालूम नहीं होगा, बता भी सकते हैं इसमें कि अल्फा कार्बन इसको कहेंगे CH3 है, CHO है तो क्रियात्मक समूह है, ठीक है, इसके पीछे जो आप कार्बन देखेंगे उसको अल्फा कार्बन, इसके साथ यहाँ पर दो लिख लेना, जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको हम लोग नहीं तीन रहेंगे अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, तीन होगा। अच्छा इसका नाम सबको याद है, एथेनाइल, दो कार्बन होता तो एथेनाइल, तीन रहता तो प्रोपेनाइल, चार होता तो ब्यूटेनाइल,
तो ये अल्फा कार्बन की बात आपकी रही आज, ठीक है, लिख लिए, इसको नंबरिंग एक कर लेना। चलिए आगे लिखेंगे आप बीटा, दूसरा नंबर लिख लो, मिटा दे इसको, दूसरा नंबर। देखो अल्फा कार्बन के पीछे ना यार, देखो अल्फा कार्बन के पीछे जुड़े कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, बीटा कार्बन कहते हैं, तथा इससे जुड़े हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। अब इसका भी उदाहरण अल्फा की तरह ही होगा, मान लो तुम्हारे पास क्या रहा, CH3 CH2 CHO रहा, ये वाला हिस्सा देख रहे हो, हम इसको अल्फा कहेंगे, इसको बीटा कहेंगे, तो ये बीटा कार्बन रहा और इसको बीटा हाइड्रोजन कहेंगे, बीटा हाइड्रोजन। चलो मैंने पर्ची आपको करा दिया कि क्या अल्फा कार्बन होते हैं, का अल्फा हाइड्रोजन होता है, का बीटा कार्बन होता है, का बीटा हाइड्रोजन होता है। हो गया, सबको याद हुआ क्या? अब एक हेडिंग बना रहे सभी लोग, एल्डोल अभिक्रिया, केवल एल्डोल अभिक्रिया पहले बनाना, एल्डोल अभिक्रिया, एल्डोल एल्डोल एल्डोल। तो आज का पहला टॉपिक ये कवर किए, फिर आज का दूसरा टॉपिक जा रहे करने के लिए कवर, एल्डोल अभिक्रिया, एल्डोल। देखो कई बार पूछता है कि इसका रिएक्शन की एल्डोल अभिक्रिया के, देखो ध्यान से समझो सब बच्चा लोग, कि जब हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं, क्या लेते हैं, और आपको एक एक ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा कार्बन उपस्थित होना चाहिए, ठीक है, कि जब हमने क्या किया, क्या लिया, एल्डिहाइड लिया और उसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराया, सोडियम हाइड्रोक्सी की उपस्थिति में कराया, और तब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण होता है, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं एल्डोल अभिक्रिया। का कहा गया कि आपने एक ऐसा एल्डिहाइड का चुनाव किया जिसमें कम से कम एक अल्फा कार्बन उपस्थित होता है, और जब इसकी क्रिया हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का निर्माण होता है, चलो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का निर्माण होता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ एल्डोल अभिक्रिया। देखो एल्डिहाइड की बात होगी तो एल्डोल जरूर होगा, एल्डिहाइड की बात होगी तो एल्डोल जरूर होगा। मैं तो ऐसा आपको उदाहरण समझाता हूँ पहले, तब इसमें लिखना, ठीक है। मान लो कि आपके पास CH3 है, CHO है, एल्डिहाइड है ना ये, अच्छा अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि कम से कम उसमें एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जो अल्फा है, ये तो अल्फा कार्बन है, इसको छोड़ कर दे, पढ़े थे आप, इसमें दो से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इसकी क्रिया किसके उपस्थिति में कराना है बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो क्या होगा, कितने कार्बन हो रहे हैं, चार, भाई चार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दो से गुणा किए, डबल हो गए ना ये,
कैसे लिखना आपको? सी एच थ्री, सी एच, सी एच टू और सी एच फोर, सी एच ओ बा, सी एच ओ और यहाँ पर आकर के वह जुड़ा, कहीं मत जोड़ देना। मैंने आपको कहा है कि बीटा हाइड्रॉक्सी, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब बीटा क्यों, बीटा क्यों इसको लेके आए? क्योंकि इसको तो काउंट ही नहीं, यहाँ आपके अल्फा होता है, यहाँ बीटा होता है, यहाँ गामा होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्डोल अभिक्रिया। अच्छा, इसका नाम अगर लिखना चाहे आईपीसी नाम तो कितने लोग बता सकते हैं? कहाँ आईपीसी नाम होगा? हाँ बताओ। हाँ, थ्री हाइड्रॉक्सी ब्यूटेन, इधर से काउंटिंग कर रहे हैं। एक जिसका क्रियात्मक समूह होता है उधर से काउंटिंग करते हैं, एक दो तीन चार। देखो ऐसा लिखोगे ना तो ये तो पहचान है, साधारण नाम है, लेकिन आईपीसी नाम हमेशा जिधर क्रियात्मक समूह सी एच को मेन ब्रांच माना जाता है। क्यों मेन ब्रांच माना जाता है? इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि इसमें एक कार्बन है जिसके कारण संकलन लंबी हो जाएगी, इसमें नहीं है, तो इसका नाम होगा थ्री हाइड्रॉक्सी, थ्री हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल, ब्यूटे। अच्छा, ब्यूटेनल क्यों हम लोग लिखे? क्योंकि चार कार्बन है ना, यल तो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सी एच ओ है। तो यही बात आपकी रहेगी। अभी कहानी को लिख लेते हैं, तब आपको रिएक्शन लिखना है। लिखो। हाँ, हम इसको एल्डोल अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इसके पीछे रीजन है। राकेश बाबू, आप मेहनत से पढ़िए, क्योंकि आप जानते ही होंगे बिना मेहनत से आप गुजारा है ही नहीं। एल्डोल इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि देखिए उत्पाद जो बना है, जो ये बना है, देख रहे ना, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड जो ये बना है, इसमें कुछ आपका क्वालिटी नज़र आ रहा है? जो बना इसमें कोई क्वालिटी नज़र आ रहा है? एकदम आ रहा है सर, एकदम आ रहा है। क्या आ रहा है? इसमें हाइड्रॉक्सी समूह भी है और इसमें एल्डिहाइड समूह भी है, इसलिए इसको एल्डोल कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? हाँ, तो दोनों समूह है, तो लिख लो नोट पॉइंट में करके कि जब एल्कोहल और एल्डिहाइड, जब एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों एक साथ जुड़े होते हैं, नोट पॉइंट में लिखा रही है यार, पगला ही लगा। जब एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों एक साथ जुड़े होते हैं तो इसे एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। एल्डोल, एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। चलो भाव, अब आ जाओ एल्डोल, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। अच्छा, संघनन का मतलब जानते हो? संघनन का मतलब ये हुआ कि जल को बाहर निकालना, जल को बाहर निकलना, बस सिंपल सी बात है। देखो, जो आपने अभी आपने जो उत्पाद प्राप्त किया था, जिसका नाम आपने क्या लिखा था? बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, या जिसका नाम आपने क्या लिखा था? थ्री हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल। इसको गर्म करो। किसको गर्म करो? थ्री हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल को। जब तुम गर्म करोगे तो इसमें से जल बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? जल बाहर निकलेगा। और जब जल बाहर निकलेगा तो जानते हो क्या बनेगा? ये बनेगा पहले तो आप लिखना, जानते हो क्या? ब्यूटेनल, यार को अभी बता देते आपको। देखो, आपने क्या बनाया था? बनाया था आपने सी एच थ्री, सी एच और इसके साथ ओ एच, फिर सी एच टू और सी एच ओ, आपने बताया था ना। तो इसमें होगा क्या, देख लो ध्यान से, यहाँ से एक एच और यहाँ से दो एच मिल करके बाहर निकलेगा। एक हो गई एच, यहाँ से बाहर निकलेगा, दो गई एच है, लेकिन गर्म कर रहे हैं यहाँ से। देखो माइनस एस टू ओ लिखा, देख रहे हैं ना, माइनस एस टू ओ का मतलब हुआ कि जल बाहर निकल गया। इसीलिए देखो, जब यहाँ पर माइनस एस टू ओ लिख दोगे ना, तब इसमें आपको एस टू ओ दिखाने की जरूरत नहीं है, बात समझे हो? जब यहाँ पर माइनस एस टू ओ दिखा दिए, यानी माइनस एस टू ओ निकल गया है, तब इधर उत्पाद में दिखाने की इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या होगा बाबू? का बचा है? बचा है सी एस थ्री, बच गया।
बच गया कि नहीं बच गया, ये सी एच है तो सी एच बच गया है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा क्योंकि ये हट रहा है ना, आपको एच को भाई संतुलित करना है, डबल बॉन्ड यहाँ से भी एच लग गया, निकल गया सी एच, और यहाँ पर सी एच ओ हो गया। इसका नाम बोलो, सब लोग कहा होगा इसका नाम बोलो, इसका नाम होगा 1 2 3 4। देखो पहले सुनो, आराम से सुनो, पहले ब्यूट लिखो, ब्यूट लिखो ठीक है, टू लिखो, इन लिखो, फिर वन लिखो, फिर एल लिखो, हो गया, पसंद में आया। अरे दो पर डबल बॉन्ड है तो इन लिखो, और एक पर सी एच ओ है तो क्या लिख दोगे, एल लिख दोगे, और ये आपके कहाँ है ब्यूटेनल। तो देखो पहले इसमें हम क्या बात करेंगे, अपने मन से लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ जो कि इसमें हमने क्या किया कि जो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, पीसी नाम 1 2 3 4, तो 3-hydroxybutanol तो लिख लो। जब हमने 3-hydroxybutanol को गर्म किया तो इसमें से जल बाहर निकल गया, जब 3-hydroxybutanol को गर्म किया गया तो इसमें से जल बाहर निकल गया, जल बाहर निकल गया, और ब्यूट टू इन वन आल का निर्माण हो गया। पढ़े का पढ़े क्या लिखाई, क्रॉस एल्डोल संघनन, देखो कितना अच्छा आ रहा है आपका, क्रॉस एल्डोल पूरा जानते हो, रिएक्शन अल्फा और बीटा पर ही बा, इसलिए पहले ही अल्फा बीटा का जिक्र हुआ है, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया, अभी आपने लिखा भी है अभिक्रिया, कि में क्रॉस का मतलब होता है कास एम्स होता, कास एम्स होता, तो हमारे कास का मतलब होता है क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया, आ एम्स का मतलब होता है एल्डिहाइड लेंगे उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। लेकिन एक चीज़ बता देते हैं आपको याद रखना, कास एम्स होता तो देखो इसमें बाबू अलग माने डिफरेंट टाइप के दो एल्डिहाइड लेते हैं, डिफरेंट टाइप के माने अलग अलग माने भिन्न भिन्न प्रकार के दो एल्डिहाइड लेते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के मतलब का हुई, एक ऐसा एल्डिहाइड लिया जाए जाना में दो कार्बन हुई, एक ऐसा एल्डिहाइड लेते हैं जाना में तीन गो कार्बन हुई, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो इसमें 4 उत्पाद बनता है, ध्यान रखना कहो 4 उत्पाद बनते हैं, इसी क्रिया कहा जाता है क्रॉस। अच्छा ये बताओ, जब भी क्रॉस की बात करेगा तो क्रॉस का मतलब होता है संकरण, तारा मालूम हुई कि 4 हूँ में पैदा होल सन, दूगो लई का दूगो में 4 उत्पाद बनी, ये ट्रिक है बायोलॉजी से, ट्रिक इसमें आ रहा है केमिस्ट्री में आ रहा है, पढ़े थे ना एक्स 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 एक्स, अब थोड़ा बात नहीं, तो पहले सुनो हमारे पास क्या है, जाते हमारे पास है CH3CH2, नाम बोलो इसका नाम बोलो, नाम बोलो, अब फिर हमारे पास क्या हो गया, एथेनॉल है ठीक है, इसमें अल्फा कार्बन है, CH3CH2CH, इसका नाम बोलो प्रोपेनॉल, इसमें अल्फा भी कार्बन है बीटा भी कार्बन है ठीक है, और आप क्रिया किससे कराएंगे, क्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, चले जाने वाले अच्छे ले लिए आजा गर्म की रहे, अब इसकी मात्रा को आधा कर लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को, कितना कर लेंगे आधा, ये आधा मत करो इंगा लिखो, तार इच्छा अपन इच्छा जितना इच्छा बात ठीक है, चलो क्रिया हुई तो देखा क्या क्या बना था, सी एच सी एच, और यहाँ पर सी एच 3 और डबल बॉन्ड सी एच ओ ठीक है, अभी जैसे कहते हैं प्लस सी एच सी एच टू सी एच 3 फिर सी सी एच ओ और फिर सी एच 3 ठीक है, प्लस सी एच सी एच 3 सी सी एच ओ और फिर से सी एच 3 प्लस ना करें, 4 उत्पाद बनेगा वही 4 सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच 2 सी एच 3 फिर सिंगल बॉन्ड सी एच सी एच ओ ठीक है, तो देख लो
अब एकरा के तुम लोग निहुरा के सीधा कर लो, जंगाई बान भाई यहाँ निहुरा के सीधा कर लो, तह के नाम का हो जाएगा, एक नाम जैसे सुनो जैसे सी एच है ना, सी एच थ्री है ना, एक सी एच ओ जुड़ा है ना डबल बांड के साथ जुड़ा है ना, तकरा के उठा के है ना कर दो, तो डबल बांड हो जाएगा कितना सी एच ओ सी एच, अब एक नाम लिखना है तो एक दो तीन, तीन के लिए क्या लिखोगे प्रोब, आप फिर लिखेंगे वन एल फिर वन इन, होने पर एल लिखाइए होने पर आपके एल भी लिखाएगा क्योंकि सी एच ओ। चलो इसी तरह से इसको भी ये तो मान लीजिएगा कि ये बन गया सी एच सी एच टू सी एच थ्री फिर सी सी एच, एक रो के निहरा दो है ना फैला दो ठीक है ना, देखो सी एच पहले इधर से सुनो, आई सी एच थ्री लिखो लिख दिया तुमने, आई सी एच टू लिखा लिख दिया तुमने, आई सी एच लिखा लिख दिया तुमने, और फिर सी एच सी लिख दिया तुमने, फिर सी एच वो है तो यहाँ पर लिख दिया तुमने, और सी एच थ्री यहाँ पर आ जाएगा ठीक है। तो काउंटिंग करो इधर से एक दो तीन चार पाँच, जैसे क्रियात्मक समूह उधर से काउंटिंग करेंगे तो नाम होगा टू मेथिल टू मेथिल पेंटेनाइल पेंटेनाइल, चल लिखा जाएगा सब, समझे अनु समझे कि नहीं समझे बताओ। अब इसका आपको करना का है, अब इसको आप लिख लीजिए, लिखिए कि जब भिन्न भिन्न प्रकार के क्या करें, इसमें डबल बांध है यहाँ है में है में ठीक, डबल बांध होगा तीन जो गिन करके लिख देना कोई दिक्कत नहीं, लिखो बोले कि जब भिन्न भिन्न प्रकार के दो एल्डिहाइड ले करके, जब भिन्न भिन्न प्रकार के दो एल्डिहाइड ले करके उनके बीच में ले करके उनके बीच में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला करके गर्म करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला के गर्म करते हैं तो चार उत्पाद बनते हैं, कहने जा रहा अभिक्रिया के बारे में। इसका ट्रिक है किनारे साफ थे, यह ट्रिक है किनारे साफ थे भाई, किनारे का मतलब होता है कहने जा रहा अभिक्रिया, याद करो इसका नाम क्या होगा कहने जारो अभिक्रिया, और सा का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो भी ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यफ का मतलब होता है फॉर्मल डिहाइड, फॉर्मल डिहाइड, ये आपका ट्रिक है, इसी ट्रिक से आप समझेंगे। अब इसके बारे में सुनिए कि कैसे कहने जा रहा अभिक्रिया होता है। इसमें हम लोग करते क्या है बाबू कि हम लोग दो माने पहले ही तो जाने इसमें ऐसे एल्डिहाइड लेंगे जिसमें एक भी अल्फा कार्बन ना हो और ना अल्फा हाइड्रोजन हो, तब उनके बीच में जब क्रिया कराई जाती है किसके उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो भी लीजिए, तो एल्कोहल के ठीक बा किसका एल्कोहल के और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों बनते हैं, तो इसी को अम्ल कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया, क्या कहेंगे इसको कैनिजारो अभिक्रिया। रिएक्शन देखो, अच्छा बताओ कोई ऐसा यौगिक है फॉर्मल्डिहाइड का मतलब क्या होता है बाबू, एच सी एच ओ, इसमें कहीं देखिए एक अब ये क्योंकि इसमें कार्बन है बस समझ रहे, दूसरा का तो कार्बन है लेने के अब अल्फा कार्बन करके इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसकी क्रिया दो ले लीजिए, एक ये ले लीजिए और एक और ले लीजिए एच सी एच ओ, ऐसी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करा दीजिए तो क्या बनेगा बाबू, पहले बनेगा एल्कोहल, माने एल्कोहल भी बनेगा और कार्बोक्सिलिक भी बनेगा दोनों बनते हैं, तो एल्कोहल का मतलब होता है कि उसमें ओएच होना चाहिए ना, तो एक बनेगा आपका देखिए ध्यान लिखिए, अगर आप इसको और विस्तार से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए सी एक एच है तो एच यहाँ पर भी एच डबल बांड हो प्लस सी यहाँ एच
यहाँ आई एच डबल बॉन्ड ओ प्लस एन ए ओ एच। जब आप रिएक्शन कराएंगे तो देखिए सब लोग, एक ए एच ले लो, ले लिया आई एच, एक सी ले लो सी, और उसके बाद से एक एच लिए, यहाँ से मान लो एच आपने लिया, हाँ एक सी एच लिया, एक सी लिया, और फिर इसके साथ इसमें से ये दोनों एच इसके साथ एड हो गए, ठीक है। और फिर एक एच और ओ बचा है तो एक यहाँ पर ओ एच आ गया, देखो अल्कोहल बन गया, क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। प्लस का बनेगा, प्लस एच और सिंगल वन सी डबल वन ओ और प्लस ओ एन ए लिखेंगे, के मत लिखिएगा, एन ए लिखिएगा। तो इसका नाम तो सब लोग जानते होंगे, इसका नाम मेथेनाइल होगा, मेथेनाल होगा। आय क्या नाम होगा, पोटेशियम फार्मेट इसका नाम होगा, एक ही कार्बन है, जगह फार्मल्डिहाइड कहते हैं ना, वही सोडियम इसको लिखेगा, सोडियम फार्मल्डिहाइड नहीं, फार्मेट कहो, सोडियम फार्मेट ठीक है, सोडियम का होगा फार्मेट हुआ। तो देखो एक बार फिर आपको समझाएं, कहने जा रहा अभिक्रिया तभी होगा बाबू जब उसमें अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो देख रहे इसमें नहीं है, तो आपने क्या किया, दो एल्डिहाइड लिया। अच्छा इसकी संरचना ऐसी होती है, एक सी लिखिए, एक ऊपर या एक नीचे या चो, और तब उसके बाद से क्रिया करा देंगे। तो देखो अल्कोहल भी बन गया है, और सी डबल ओ एन जिसका मतलब होता है कि ये एक प्रकार का क्या बन चुका है, एक प्रकार के अल्कोहली कार्बोक्सिलिक ग्रुप का बना है। अगर यह नहीं होता, यहाँ पर एच होता तो सी डबल ओ एच हो जाता ना, तो आप कार्बोक्सिलिक इसको कर देते, थोड़ा सा लिख लीजिए तब इसको उतार लीजिए। ये तो बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉन आगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सुनो सब लोग, देखो बाबू बहुत सिंपल है, देखो इधर सुन लो ध्यान से, कल आप देखे थे ना बेंजीन, आप लिए थे ना बेंजीन, याद करो, चाहे क्लोरो बेंजीन ले रहे थे ना, तो उसमें अल्फा कार्बन माने ओ कार्बन माने आर्थो पर आप पैरा पर जुड़ा था, जो भी जुड़े थे, लेकिन देखो जब भी आप याद करना एक चीज, हमने एल्डिहाइड लिया, देखो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ना, केवल जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं, एरोमेटिक मतलब जो बंद श्रृंखला वाले होते हैं, जो चक्रीय होते हैं, ये चक्रीय है ठीक है ना, तो वही प्रदर्शित करते हैं। बताओ इसका नाम क्या होगा, सब लोग बताओ, अगर हम इसमें सी एच ओ जोड़ दे तो बेंजिल डिहाइड। अब सुनो इसे क्रिया आपको कराना है, मान लो नाइट्रिक अम्ल से, किसे कराना है, नाइट्रिक अम्ल से, यही होता है इलेक्ट्रॉन आगे, नाइट्रोजन जुड़ जाए, क्लोरीन जुड़ जाए, सल्फ्यूरिक अम्ल जुड़ जाए, किसी को इलेक्ट्रॉन आगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। बताओ इसको, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, जहाँ जुड़ा होता है ना, जो जुड़ा होता है उसको छोड़ के उसका आगे वाला वो होता है, यहाँ का होता है यम होता है, और यहाँ का होता है पी होता है। सबसे बड़ी बात है कि सर आप जोड़ेंगे कहाँ, जुटेगा कहाँ, एनओ टू का जुटेगा, अच्छा एनओ टू इसलिए जुटेगा क्योंकि जल हमेशा बोरिंग करता है। देखो एनओ टू एगो एस ओ कम हुई, एगो आई एच बा, तो ओ बचल एगो एच, आ कहीं ना कहीं जुड़ी तो यच एगो एच नहीं, सबके पास एच है, क्योंकि आप जानते होंगे सबके पास एच है, जहाँ जोड़ेंगे वहाँ से एक एच निकलेगा। तो इसीलिए प्रतिस्थापन कह रहे हैं कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है बाहर निकलना, एगो एच निकलेगा। तो देखो जब भी सी एच ओ आ जाए बाबू, तो सुनना ध्यान से सब लोग, जब भी सी एच ओ जुड़ा हो बेंजीन के साथ, या सी डबल ओ एच जुड़ा हो, या सी डबल ओ एच जुड़ा हो, या सी ओ जुड़ा हो, सी ओ का मतलब कीटोन, माने यहाँ पर अगर सी आया है तो हमेशा जो भी जुड़ेगा कभी भी आर्थो और पैरा पर नहीं जुड़ता है, हमेशा मेटा पर जुड़ता है, ये नियम होता है। आपने कल पढ़ा था ना कि अगर सी नहीं हो, क्लोरो बेंजीन हो ब्रोमो बेंजीन हो, तो चाहे खाली बेंजीन हो, तो हमेशा वो आर्थो पर या पैरा पर जुड़ता है, लेकिन इसमें हमेशा किस पर जुड़ेगा, हाँ किस पर जुड़ेगा, मेटा पर जुड़ेगा, ध्यान रखना। तो इसको जब क्रिया कराओगे तो ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से देखो, ये वाला बेंजीन ऐसे ही रखेंगे, सी एच ओ रहेगा और यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा एनओ, सब एच देखो, ये जहाँ मेटक मुँह बढ़ाए थे ना वहीं बॉलर वाला सर, सब एच एक अंदर चल गए सर, ऐसे भी एच निकला माइनस एस टू कर दो, माइनस एस टू कर दो, तो इसका मतलब यहाँ से जल क्या हो गया, बाहर निकल गया। इसका नाम क्या होगा बताओ सब लोग, इसका नाम यहाँ से काउंटिंग कर रही है, एक दो तीन, थ्री नाइट्रो बेंजिल डिहाइड,
देखो हमेशा यहीं से काउंटिंग करेंगे क्योंकि मेन श्रृंखला यही है, क्रियात्मक समूह यही है। तो थ्री नाइट्रो बेंजल डिहाइड और इसका क्या नाम होगा, बेंजल डिहाइड, समझिए हो, मेटा पे ही जुड़ेगा, याद रखना। कब, जब सी एच ओ, अभी आप पढ़िएगा ना सी डब्ल ओ या चला, उसको भी मेटा पे ही जोड़ा जाएगा। चलो याद हो गया सबको, यही बातें इसकी किताब में लिखी गई, तो लिख लो, लिखो कि जब बेंजल डिहाइड की क्रिया